का दुनिया से मैं विनी बा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं न्यूली लॉन्च हुई टाटा पंच का सेकेंड बेस वेरिएंट यानी प्योर से ऊपर वाला वेरिएंट एडवेंचर जो कि आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। और दोस्तों इसमें 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आई है। फिलहाल दोस्तों इस गाड़ी की अभी प्राइसिंग्स क्लियर नहीं हुई है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। अगर आप ये गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगा इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने, जिसमें सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इसकी ग्रिल। यहाँ पर सेंटर पर देखिए क्रोम पे टाटा का लोगो मिल जाएगा। और ये देखिए इसकी जो ग्रिल है ये पूरी कवर्ड है और ग्लॉसी ब्लैक पे दे रखी है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक हल्की सी ओपनिंग दी हुई है क्योंकि इस साइड पे कार का हॉर्न लगा हुआ है तो यहाँ से आवाज़ प्रॉपरली आ सके, इस वजह से यहाँ पे देखिए इस तरीके की डिज़ाइन ओपन कर दी है। बाकी आप इस गाड़ी के बम्पर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉडी कलर और नीचे का जो पोर्सन है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है, यानी ये पोर्सन नॉन पेंटेड है। और इसमें आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, ट्राई एरो ये देखिए डिज़ाइन दी हुई है जो कि आजकल टाटा की बाकी गाड़ियों में भी देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं एडवेंचर की लाइटिंग्स की। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रंट में ऊपर की साइड चेक करेंगे तो देखिए फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स इस समय ब्लिंक कर रहे हैं। इस साइड पे देखिए इस गाड़ी की पोजिशनिंग लाइट आप देख सकते हैं। बाकी हेडलैम्प देखिए इसमें हैलोजन रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों इस गाड़ी का फ्रंट लुक। चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल का स्क्रोल करने और आ जाते हैं इस गाड़ी के इस तरफ और दिखाते हैं आपको वन फ्रेम व्यू साइड से। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लेंथ को 28.27 mm इस गाड़ी की लेंथ है और काफ़ी बढ़िया दोस्तों इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये देखिए 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है तो अंडर बॉडी डैमेज का खतरा आपको इस गाड़ी पर कम रहता है। बाकी ये SUV सेगमेंट की गाड़ी है तो डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होना भी चाहिए। इसके बाद चलिए देखते हैं इस गाड़ी के व्हील्स। तो देखिए एडवेंचर वेरिएंट में दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टील व्हील्स जिसमें ब्लैक कलर के देखिए ग्लॉसी ब्लैक कलर के बहुत ही खूबसूरत इसमें देखिए व्हील कैप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइबर कैप्स लगी हैं। बाकी साइज़ देखिए टायर का यहाँ पे लिखा हुआ है 185/70 R15 इंच के ये व्हील्स आएंगे। इस साइड पे देखिए व्हील आर क्लैडिंग ब्लैक रंग की दी हुई है, ये देखिए पूरी फॉलो करती हुई है डोर्स के इस तरफ भी जा रही है। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो कि इस गाड़ी को बोल्डर लुक देती है, साथ में दोस्तों यहाँ पे ये प्रोटेक्ट भी करती है स्क्रैचेस से। चलिए बात करते हैं इसके हैंडल्स चेक कर लीजिए, बॉडी ग्लास पे दे रखे हैं। और ये देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स में ही साइड के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक लॉन्ग रूफ एंटीना। बाकी रूफ रेल्स दोस्तों इस वेरिएंट पे नहीं आएंगी। इसका सी पिलर चेक कर लीजिए जो कि अगेन एक खूबसूरत पार्ट है। यहाँ पे इसके जो हैंडल है ये नीचे की तरफ ना दे के यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इधर प्लेस किया हुआ है। हालांकि एक और दोस्तों गाड़ी आती है जिसका हैंडल यहाँ पे प्लेस रहता है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी गाड़ी है। बाकी इसका जो फ्रंट डोर का हैंडल है वो देखिए इधर नॉर्मल जगह पे दिया हुआ है। चलिए बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के रियर यानी बैक की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं टाटा पंच एडवेंचर को पीछे से। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल आपके सामने, जिसमें बात करेंगे फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी की लाइट चेक करवा दूँ। ये देखिए बल्ब बेस्ड इसमें टेल लैंप्स दिए हुए हैं जो कि ट्राई एरो डिज़ाइन, यहाँ पे एरो की डिज़ाइन इधर भी देखने को मिलेगी। और इस साइड पर देखिए थोड़े से टेल लैंप्स इस तरफ भी गए हुए हैं। बाकी टाटा की देखिए यहाँ पर देखिए जिसके लेटर्स हैं पंच के उसको यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए टाटा का लोगो मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें देखिए पीछे के बम्पर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पे भी ऊपर के पोर्शन जो है वो बॉडी कलर पे है, नीचे जो है यहाँ पे देखिए ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। और साथ में देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट में डिफॉगर्स रियर वाइपर आपको नहीं मिलेंगे। और फ्यूल इंटेक एरिया देखिए इस तरफ दिया हुआ है, इसमें 37 लीटर्स का पेट्रोल टैंक दोस्तों मिलेगा। तो देख लिया आपने टाटा पंच न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी के एडवेंचर वेरियंट के एक्सटीरियर को। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की और देखते हैं इसकी कीज़। तो ये देखिए इसमें आपको इस तरीके की देखिए रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली दोस्तों की मिल जाएगी। यहाँ पे लॉक अनलॉक हेडलैम्प ऑपरेट करने का बटन है और ये देखिए इसमें फ्लिप की दी हुई है। बाकी दोस्तों इसकी जो सेकंड की है ये इसमें मैनुअल आएगी, यहाँ पे रिमोट लॉक एक ही की पे आएगा। चलिए अनलॉक कर देते हैं गाड़ी को, स्टार्ट करते हैं इसके बूट से। तो बात करते हैं यहाँ पर ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज बटन दिया हुआ है। इस साइड पर देखिए लगा है 5-door लॉकिंग के साथ ये गाड़ी आती है। पार्सल ट्रे दोस्तों इसमें कंपनी फिटेड मिल जाएगी। बाकी बूट स्पेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 319
यानी 319 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि एक अच्छा बूट स्पेस माना जाता है 300 के ऊपर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगेज भी अच्छा इसमें आ जाएगा। बाकी स्पेयर व्हील जो है दोस्तों वो रखा है इस फ्लैप के नीचे। ये देखिए टूल्स भी बड़े अच्छे तरीके से सब सेट किए हुए हैं, और ये व्हील भी बाकी व्हील की तरह ही 15 इंच पे है और स्टील पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसकी लगेज स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो ये बैक सेटिंग है ये बेंच फोल्डिंग के साथ आती है। पार्सल ट्रे डिटैचबल है, इसको आप हटा सकते हैं। और इसकी सीटों पर यहाँ पर जब चेक करेंगे, देखिए ऐसे बटन टाइप का दिया है, इसको प्रेस कर दीजिए और ये सीट आगे की तरफ देखिए फ्लैट हो जाएगी, यानी बेंट हो जाएगी और बन जाएगा एक एक्सटेंडेड लगेज स्पेस। चलिए दोस्तों बूट चेक कर लिया, अब बढ़ते हैं केबिन की तरफ और देखते हैं बाकी फीचर्स। तो पहले तो आपको इसकी इंटीरियर थीम चेक करवा दूं, तो ये देखिए टाटा पंच एडवेंचर एडिशन, ये आप अंदर से देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये सेकेंड बेस वेरियंट है एडवेंचर। डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके डैशबोर्ड को। ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा बेज यानी ग्रीनिश कलर भी कह सकते हैं वो देखिए दिया हुआ है, और ऊपर ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। बाकी जितनी भी अपहोल्स्ट्री दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये सब इसमें फैब्रिक पे दी हुई है। सीटें चेक कर लीजिए, इसकी ड्राइविंग सीट नॉन हाइट एडजस्टेबल है, इसको आप ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो इसके हेडरेस्ट हैं आगे की सीटों के, ये ज़रूर आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। चलिए मैं ज़रा इग्निशन ऑन कर देता हूँ और आगे के फीचर्स को दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। पहले ज़रा मैं आपको और चीज़ें चेक करवा दूँ, तो एक बार आप यहाँ पे डोर देख लीजिए। ये देखिए चारों पार विंडोज़ आते हैं, उनके स्विचेस यहाँ पे प्लेस्ड हैं, चाइल्ड विंडो लॉक का बटन है, आउटसाइड मिरर्स दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया हुआ है, यानी यहाँ पर मिरर्स को आपको ओपन क्लोज जो है वो मैनुअली हाथ से करना पड़ेगा, लेकिन इनके जो ग्लासेज हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं इन बटन से। ड्राइविंग साइड का विंडो देखते हैं, तो ये वन टच डाउन या फिर वन टच आप आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस साइड पे नीचे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए स्पेसेस मिल जाएंगी सामान को रखने की। इधर तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं फ्रंट के दोनों डोर्स पे। आ जाते हैं जरा पीछे का डोर आपको चेक करवा दूँ, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर, इनसाइड डोर हैंडल्स जो भी हैं चारों डोर्स पे। ये देखिए यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के मिल जाएंगे, और इधर तक भी देखिए यहाँ पे स्पेसेस दे रखी हैं, स्पीकर्स इधर पीछे के डोर्स पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने चेक कर लिए दोस्तों इस गाड़ी के डोर्स। अब बात करते हैं इसकी रियर सीटिंग की, तो ये देखिए एडवेंचर वेरियंट पे पीछे की सीटें जो हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दी हुई है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। बाकी जो इसमें यहाँ पे सेंटर पे आर्मरेस्ट इसमें नहीं दे रखा है, ये दोस्तों सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट क्रिएटिव में मिलता है। बैठ जाते एक बार ज़रा इसकी पीछे की सीटिंग पे और चेक करते हैं इसके कम्फर्ट को। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5'8", और यहाँ पर देखिए ड्राइविंग सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है जैसे मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूं, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों देखिए यहां पे आपको लेगरूम मिलेगा। पंच की खासियत यही है कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी इसमें पीछे की सीटिंग पे काफ़ी अच्छा लेगरूम है, सीटें भी काफ़ी अच्छी दी हुई हैं, और इवन अगर हम थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो वो भी इसमें आपको प्रॉपर मिलता है। एक और फ़ायदा है यहाँ पर देखिए इसका जो ये सेंटर पोर्शन है ये काफ़ी फ्लैट दे रखा है, और इधर देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, तो सेंटर पे जब कोई पैसेंजर बैठेगा तो आराम से इधर पैर को रख सकता है। रियर एसी वेंट दोस्तों इसमें नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए स्पेस दे रखी है, कुछ भी आप इसमें सामान रख सकते हैं। एक बार आपको ऊपर साइड दिखा दूँ, तो देखिए फिक्स टाइप ग्रिप्स इसमें दिए हुए हैं, ये देखिए इधर भी, यहाँ पर सेंटर पर देखिए कोई भी लाइट्स नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों आपने देख ली इस गाड़ी की पीछे की सीटिंग, अच्छा लेगरूम मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी फीचर्स को। तो चलिए अब बैठता हूँ यहाँ पे और देखते हैं चीज़ों को। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट। यहाँ पे पहले मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद आप चेक कर लीजिए इसके यहाँ पर डैशबोर्ड को। ये देखिए इस साइड पर देख लीजिए, और आ जाते हैं सबसे पहले हम इधर, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं फीचर्स को। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दो बटन दे रखे हैं। पहला बटन दोस्तों इसमें ड्राइव मोड्स का है, ये देखिए अभी इको इसमें इनेबल हो गया, और ये सिटी, तो इसमें दो ड्राइव मोड्स आपको मिल जाएंगे। उसके बगल में यहाँ पे ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है, गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी यानी ट्रैफिक होगा या फिर सिग्नल पे खड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली इंजन को ऑफ कर देगा, जैसे ही आप इसका क्लच प्रेस करेंगे तो ये वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्यूल सेविंग फीचर मिल जाता है इस वेरियंट में भी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको एक बार मैं ज़रा इसकी डिज़ाइनिंग चेक करा दूँ, तो देखिए ए सी वेंट्स कितने खूबसूरत दिए हुए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए। ये देखिए
काफ़ी खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी का डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, ये देखिए इधर भी पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं अब इसके स्टीयरिंग की, तो दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, देखिए यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया हुआ है। इस साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डुअल एयरबैग दे रखा है, एक स्टीयरिंग पे प्लेस्ड है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने वहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ABS, CBD और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो ये देखिए यहाँ पे आप इसका मीटर चेक कर सकते हैं जो कि एनालॉग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, इनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए डिजिटल क्लॉक भी दी हुई है और इस साइड पर देखिए यहाँ से क्लॉक सेट हो रही है, और जब इधर की बात करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्विच करके काफ़ी चीज़ें दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी का माइलेज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया हुआ है, इसमें ट्रिप मीटर है, आउटसाइड देखिए टेम्परेचर भी दिखा रहा है, तो इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। ऊपर की तरफ देखिए फ्यूल गॉच मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको स्विच करके आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, जिसमें देखिए एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत इसमें हार्मन का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, 4 इंच का ये सिस्टम दे रखा है, देखिए फ्लोटिंग पैटर्न पर दिया है। और यहाँ पर स्पीकर जो हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम पर 4 मिल जाएंगे जो कि चारों डोर पर प्लेस्ड हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ये तो हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच है, इंडिकेटर सारे ब्लिंक करने लगेंगे जब इसको आप प्रेस कर देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें जो AC दे रखा है ये मैनुअल है, यहाँ पे आपको मैनुअली AC को ऑपरेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर AC के आप बटन्स और डिज़ाइन की बात करेंगे तो देखिए नॉर्मल जिस तरीके से AC आते हैं 3 नॉब वाले, वैसा इसमें नहीं दिया है। काफ़ी चीज़ें देखिए इसमें बटन्स भी दे रखी है, इवन इसमें अगर फ़ैन स्पीड की बात करेंगे तो देखिए ये भी बटन्स भी दिया हुआ है। नॉर्मली रोटेटरी नॉब दिया होता है बाकी गाड़ियों में, बट यहाँ पर कुछ अलग किया है जो कि इस गाड़ी के AC को खूबसूरत बनाता है। बाकी दोस्तों इस तरफ नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का एक पावर आउट मोबाइल चार्जिंग के लिए, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, ऑक्सिलरी पोर्ट इसमें नहीं दे रखा है। इस साइड पे देखिए तो आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा, कुछ भी सामान रख सकते हैं। इधर तरफ बात करेंगे तो ये कुछ भी नहीं दे रखा है, एक डमी है। नॉर्मली इसके अपर वेरियंट पर यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट का पावर आउट आता है। बाकी दोस्तों देखिए हैंड ब्रेक जो है वो क्रोम टिप के साथ है, इस तरफ देखिए तो आपको कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। चलिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और आगे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस गाड़ी की एक लाइट, ये देखिए। बाकी सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखिए वैनिटी मिरर है, और ड्राइविंग साइड पे आपको मिलेगा सिर्फ टिकट होल्डर। एक बार आपको इसका ग्लव बॉक्स भी चेक करवा देता हूँ, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें स्पेस मिलेगा, 2 कंपार्टमेंट दे रखे हैं, लेकिन इस वेरिएंट पे कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिए इस गाड़ी के सारे फीचर्स मैंने आपको चेक करा दिए। दोस्तों जितने भी बेसिक फीचर एक गाड़ी में ज़रूरत होती है वो टाटा पंच का एडवेंचर वेरियंट कवर कर लेता है। बाकी अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो ये वेरियंट पर्टिकुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनुअल में, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ये लीवर है, जिसमें जब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो आपको देखिए बीप सुनाई दिया, और साथ में देखिए इसके जो म्यूज़िक सिस्टम का डिस्प्ले है इसमें सेंसर्स का इंडिकेशन भी आ गया, इसमें सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं, कैमरा नहीं आते, तो यहाँ पे बीप के द्वारा आपको अलर्ट कर देंगे। तो दोस्तों टाटा पंच न्यूली लॉन्च एडवेंचर को आपने अच्छे से चेक कर लिया। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो बोनट यहाँ से दोस्तों ओपन होगा। तो ये आप देख रहे हैं टाटा पंच का पेट्रोल इंजन, जो कि 1.2 लीटर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिलेगा। BS6 कॉम्प्लेंट ये इंजन है, जो कि 1199 cc का डिस्प्लेसमेंट है, 3 सिलेंडर बना हुआ है, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 63 kW के 6000 RPM पे, एंड टॉर्क है 113 Nm का 3300 RPM पे। सो दोस्तों आपने चेक कर लिया टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट। दोस्तों फिलहाल अभी इस गाड़ी की प्राइसिंग्स क्लियर नहीं हुई हैं, 18 अक्टूबर को ऑफिशियल लॉन्च है, तभी प्राइसेस क्लियर होंगी। जैसे ही मुझे प्राइसेस पता लगेंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको क्रिएटिव इसका दिखाया था, आज मैंने आपको इसका एडवेंचर दिखा दिया, अब बचे हैं 2 वेरियंट, प्योर एंड एकम्प्लिस्ड। दोस्तों उन वेरियंट्स को देखने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कार दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अपना जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, थैंक यू।